वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन 1967 विच गुरद्वारा पंजोखड़ा साहिब पातशाही 8वीं विखे संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा एक दिन भाई जरनैल सिंह अभ्यासी जी पासों पंज ग्रंथी का पाठ सुन रहे सन। अभ्यासी जी पलंग उपर पोथी प्रकाश करके पाठ पढ़ रहे सन। रात का समा सी, पाठ करद्या करद्या अचानक बिजली बंद हो गई, पर भाई अभ्यासी जी पाठ करते रहे क्योंकि उन्होंने इस तरह प्रतीत हो रहा है कि पंज ग्रंथी पोथी विचों ही प्रकाश हो के बाणी के अखर दिस रहे हैं। पंज ग्रंथी का पाठ संपूर्ण करन तो बाद बिजली भी जग पई। भाई अभ्यासी जी के मन में फुरना आया कि मैं इस कौतक बारे संतां नाल बचन साझा करा, पर वह चुप रहे। फिर कई दिन जदों भी वह रात को पंज ग्रंथी प्रकाश करते तो पाठ कर लगते नाल ही बत्ती चली जाती, उन्होंने पोथी विचों उस तरह प्रकाश होकर बाणी के अखर दिसते रहे। फिर उन्होंने इस बारे संतां नूं बेनती की कि इस तरह का वर्तारा बरत रहा है कि रात समय जदों भी पोथी प्रकाश करके बाणी पढ़ता हाँ तो बिना बिजली जगाया ही पोथी विचों प्रकाश हुंदा है अते गुरबाणी दे अखरां दे साफ दर्शन हुंदे हन। तां संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा ने कहा कि इस अजर वस्तु नूं जरन दा सुभाव बनाओ। अज तैनू बिजली की रोशनी वाग प्रकाश प्रतीत हुंदा है, पर गुरबाणी दे अभ्यास वाहेगुरु मंत्र दे सिमरन नाल करोड़ां सूरजां दा प्रकाश प्रगट हो सकता है। सतगुरु जी की बाणी विच फरमाउंदे हन, शांत सहज सुख मन उपजयो कोट सूर नानक प्रगास, भाव करोड़ा सूरजां दा प्रकाश भी नाम दे प्रकाश दे बराबर नहीं पुज सकता। सूरज दा प्रकाश मनुख दी नज़र दी सीमा तक प्रतीत हुंदा है अते दिखाई दे सकता है, पर नाम दा प्रकाश खंडा ब्रह्मंडा तक हो रही प्रक्रिया नूं वेखण दी समर्था दे सकता है। इस लई वाहिगुरु दी खेड़ निराली अते व्यंत है, उस नूं जरण लई बर्दाश्त करन लई अते सांभण लई अकाल पुरख अगे हमेशा अरदास करनी चाहीदी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।